हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। तो आज मकर संक्रांति पे बिहार में है अगर हम लोग तो दही चूड़ा तो बनता ही होगा। तो आज हम लोग दही चूड़ा ही बना रहे हैं बट थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ा सा उसको बढ़िया सा ट्विस्ट देंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ कैसे आज मैं ये दही चूड़ा बनाती हूँ। तो अभी आप में से बहुत लोगों ने ऐसा सुना होगा कि ये जो स्ट्रॉबेरीज आते हैं ना, इसमें वाकई बहुत गंदगी होती है। इसको थोड़ा सा गर्म पानी और नमक के साथ ना हमेशा वॉश कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, देखिए आप देख सकते कितना ज़्यादा ये गंदा है। तो इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए या 10 मिनट 15 मिनट आप इसको इस तरह से हल्का सा गर्म पानी ल्यूक वार्म वाटर में इसको थोड़ा सा नमक और वेनेगर के साथ छोड़ दीजिए। तो जितने भी गंदगी इसके ऊपर वाले सरफेस पे होती है ना वो निकल जाएगी। तो बस इसको मैंने छोड़ दिया था। अब मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हमें कट करना है, छोटे छोटे पीसेज में हम इसको कट कर लेंगे। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हम हटा देंगे और उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज को मैंने काट लिया है, मुझे जितनी चाहिए थी। यहाँ पर मैंने एक पैन ऑलरेडी चढ़ाकर रखा हुआ था, पैन हल्का गर्म हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर ये है भूरा या गुड़ का पाउडर बोल सकते हैं, वो है। आप गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ को आप हल्का सा क्रश कर ले, या आप चीनी ले सकते हैं, जो आप चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बस एक चम्मच लिया, एक चम्मच भर कर लिया है बड़ा चम्मच से। इसको हम पैन में इस तरह से डाल देंगे। इसको हल्का सा कैरामलाइज होने देना है हमें, बहुत ही हल्का सा इसको कैरामलाइज होने देना है। बस 30 से 40 सेकेंड में ये कैरामलाइज हो जाएगी। बस ये देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इसमें ये जो हमारा स्ट्रॉबेरी है वो हम डाल देंगे। डाल के इसको हल्का सा हमें पकाना है, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज्यादा देर नहीं पकाएंगे हम इसको। गाइस पकाएंगे ही, हम लोग जलाएंगे स्ट्रॉबेरी को। तो फ्रेंड्स प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, पीछे से मेरा बेटा जो है ना वो बार बार बोल रहा है और बदमाशी कर रहा है। तो बस थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चीनी डाल रही हूँ, मतलब भाई चीनी नहीं, मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे स्ट्रॉबेरी जो है ना वो सॉफ्ट हो गए हैं। बस यहाँ पर इसको हल्का सा हमें ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तिल के लड्डू हैं। तो ये मैंने एक या दो जैसे आपको लगे कुछ तिल के लड्डू हैं, कुछ मैंने घर पे बनाए थे, कुछ मैं मार्केट से भी लेकर आई थी। और ये बादाम की पट्टी, ये मैंने नहीं बनाई, ये मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। तो एक बादाम की पट्टी मैंने ले ली है और ये एक तिल वाले लड्डू ले लिए हैं। इसको क्या करेंगे ना, हल्का सा ऐसे क्रश कर लेंगे, हल्का सा, बड़े बड़े टुकड़ों में ही रखना है, बहुत ज्यादा इसको छोटा नहीं करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है। अगर आप ये नहीं डालना चाहे ना, मतलब अगर आप, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहे ना तो सिर्फ तिल को हल्का सा रोस्ट करके और मूंगफली को हल्का सा रोस्ट करके भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग बिहार से हैं उनको पता होगा कि ये होता है चूड़ा। ये आज जो मकर संक्रांति के दिन होता है ना, हमारे यहाँ यही चूड़ा खाया जाता है। इसको बोलते हैं बासमती चूड़ा। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है, अगर आपके यहाँ मिलता है तो, और आप इसको किस नाम से बुलाते हो ये बताओ, आप किस शहर से देख रहे हो ये भी कमेंट करना। तो यहाँ पर देखिए ये चूड़ा हमने ले लिया है। तो ये चूड़ा को मैंने पहले से ही सोख करके रखा हुआ था दही में। ये देखिए ये फूल गई है एकदम अच्छे से। तो बस कुछ भी नहीं करना है, रोस्ट नहीं करना है चूड़े को, कुछ भी नहीं करना है। पोहा, बहुत लोग इसको पोहा भी बोलते हैं, हमारे बिहार में चूड़ा ही बोला जाता है, इसलिए मेरे मुंह से जनरली चूड़ा ही निकल जाता है। और यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छे से एकदम सोक करके रखा हुआ था। आधे घंटे अगर आप सोक करेंगे काफी होगा, आधा घंटा से 1 घंटा। तो बस मैंने पहले से, मगर ये ना बहुत ही ज्यादा, इसने बहुत ज्यादा दही जो है ना अब्सॉर्ब कर लिया। इसमें थोड़ी सी दही मैं और मिलाऊंगी। तो ये देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी दही मिलाई है और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें और गुड़ का पाउडर, ऐसे हमारे यहाँ इसको भूरा बोला जाता है, जागरी पाउडर, गुड़ का पाउडर, चीनी, आपको जो पसंद हो मिठास के लिए आप डाल सकते हैं। आप चाहे ना तो इसमें थोड़े से डेट्स भी काट करके डाल सकते हैं, खजूर को, ठीक है।
और ये देखिए बस इसको इस तरह से मिक्स कर लिया बढ़िया से। तो अब बस एक कप ले लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले कप में ये जो हमने चूड़ा और दही का मिक्सचर रखा था ना, सिंपली इसको हमें असेंबल करना है। तो ये देखिए सबसे पहले फर्स्ट लेयर हमने डाल दी अपने दही और चूड़े का। और फिर इस पे ये स्ट्रॉबेरी वाला जो हमने बनाया है, आप ना फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को भी ना क्रश करके डाल सकते हैं, पर ये वाले जो स्ट्रॉबेरीज मैं लेकर आई थी ना, वो पता है वो थोड़े से खट्टे निकल गए हैं। बस इसी वजह से क्या हुआ ना कि मुझे इसको थोड़ा सा कैरामलाइज करना पड़ा। तो अगर स्ट्रॉबेरीज अगर थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं है ना, तो आप इनको ऐसे फ्रेशली काट के भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा सा क्रंच आता है। और ये देखिए ये बस जो मिक्सचर हमने ये जो क्रश किया था इसको हम डाल देंगे। फिर से हम ये वाला मिक्सचर डालेंगे। और बस ये वाला जो हमने क्रस्ट किया था वो डालेंगे। तो बस इसके आप 4-5 लेयर्स जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो बस देखिए रेडी हो गया है हमारा ये फैंसी दही चूड़ा का बाउल। तो बस इसको एंजॉय कीजिए, रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी चूड़े को सोक करके रखा था। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी आपको मिल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।